नमो नमः। सारमयम संस्कृतम के YouTube चैनल पर हम पढ़ रहे हैं चाणक्य नीति अध्याय 2। ऐसा होना चाहिए कि जो विश्वास का पात्र हो, सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा दिखाई दे, वही सच्चा मित्र है। ऐसे व्यक्ति को मित्र कदापि ना बनाएं जो पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ता हो और मुंह पर आपके सामने मीठी मीठी बातें करता हो। आपका सच्चा मित्र हितैषी वही है जो आपके अच्छे और बुरे दोनों में साथ दे, आपके गलतियों पर आपको टोके, आपको सुधारे और आपकी विपत्ति में आपके साथ खड़ा रहे, वही सच्चा मित्र है। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य ने किन मित्रों से बच कर के रहना चाहिए यह बतलाते हैं। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशयेत क्षयेद गूढ़म। तो गुप्त मंत्र की भांति उसकी रक्षा करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण बात कही है। आचार्य कहते हैं कि मन की बात को गुप्त रखकर व्यक्ति को सदा अपने कार्य में संलग्न रहना चाहिए। कार्य के पूर्ण होने के बाद ही अपनी योजना का खुलासा करना चाहिए। बहुत से लोग अपनी योजनाएं इधर उधर बतलाते रहते हैं, जिसका लाभ दूसरे लोग उठा लेते हैं और वह व्यक्ति देखता रह जाता है। ऐसा भी हो सकता है उसकी योजना जानकर कोई शत्रु ही उसका लाभ उठा ले अथवा उसका काम बिगाड़ दे। इसलिए चाणक्य ने अपनी योजना को गुप्त रखने की बात कही है। आजकल ऐसा चलन भी हो गया है कि व्यक्ति की प्रसिद्धि को देखकर दूसरे व्यक्ति ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव रखते हैं, तो उसकी योजना में अनेक कमियां निकालकर उसे हतोत्साहित करते रहते हैं अथवा शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं कि आपने जो कार्य किया है या योजना बनाई है वह अनेक अवगुणों से युक्त है और उस व्यक्ति का आत्मविश्वास छीन करने का प्रयास करते हैं। अतः हर दृष्टि से अपनी योजना को तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक कार्य पूरा ना हो जाए। धन्यवाद।